हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में आज यहाँ पर आप देखेंगे कि WWI एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज़ हो गई है। आप एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर जाकर के फिल कर सकते हैं, किस तरीके से फिल कर सकते हैं, क्या क्या सारी प्रोसेस होती हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय, तो वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी और बताऊँगा मैं स्टेप बाय स्टेप। सो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्ट करनी है अपने ब्राउज़र से, किसी भी ब्राउज़र से आप google.com ओपन कर दीजिए। वहाँ पर टाइप कर देना होता है आपको WWI एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 IAS पेपर। अब लास्ट में IAS पेपर टाइप करना जरूरी है। ये क्यों, क्या है ये? ये एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको WWI एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते हैं, सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं। बट ठीक है, तो आपको क्या करनी है, सर्च करनी है। जब आप सर्च करते हैं, जब सर्च करते हैं तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है IASpaper.net लिखा हुआ रहना चाहिए। अब आपको यहीं पर क्लिक करनी है। सो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन होते हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दी गई है, आपकी रिलीज़ हो चुकी है। सो आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। सो क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स, क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर क्लिक हियर पे जब क्लिक कर देंगे न्यू टैब पे जाएंगे, लेकिन जो सबसे पहले आपके सामने ये फॉर्म है, इस फॉर्म में अपना फुल नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका इंटरेस्टेड कोर्स, कौन से कोर्स में आप इंटरेस्ट हैं, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, और आपको फिर गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक कर देनी होती है। तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे ये होगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे अलग यहाँ पर WWI के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन हो जाते हैं। स्क्रॉल डाउन करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म्स डिटेल्स के लिए। आप यहाँ पर आते हैं, आप यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन देख रहे हैं जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप यूनिवर्सिटी में फुल फ्लोर एडमिशन शुरू हुई है। जिनका यूनिवर्सिटी का नाम है यहाँ पर UPES यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड लास्ट KL यूनिवर्सिटी, तो इन सारे के सारे यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू हुई है। आप जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। इसमें देश के हर एक बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। मैं भी आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इनमें से भी किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए, ताकि आप भी कुछ यहाँ पर सीख सकें, समझ सकें और लोगों अलग अलग तरीके से बात कर सकें। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर बस क्लिक हियर पे क्लिक करना होता है, रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर देंगे, एडमिशन हो सकता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर WWI International। सो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर फिल्म मेकिंग, एनिमेशंस, मीडिया कम्युनिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एनिमेशन में लेता हूँ तो यहाँ पर अप्लाई करूँगा। अब किस में इंटरेस्ट रखते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट होगा वो करेंगे। अब यहाँ पर इसमें मेरे को 3 ईयर्स का मिलता है। यहाँ पर MA के लिए यहाँ पर स्क्रीन राइटिंग 2 ईयर्स का है, डिप्लोमा स्क्रीन राइटिंग, BDS के लिए BDS, MA, BBA, MBA, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग 3 ईयर्स, 2 ईयर्स सब का टाइम यहाँ पर है। उस तरीके से मैं जिसमें भी इंटरेस्ट रहूँगा वो कोर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। नेक्स्ट मेरा नाम क्या है और ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर दूँगा, फ़ोन नंबर और सेलेक्ट कर दूँगा मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा ना मेरा, मैंने क्या पास किया है, 12th पास किया है या फिर ग्रेजुएशन कर लिया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लिया मैंने, तो जो भी मैंने किया यहाँ पर बताऊँगा और यहाँ पर कंटिन्यू पे कंट्री यहाँ पर बता दूँगा, कंट्री कौन से कंट्री से मैं बिलोंग करता हूँ। इंडिया तो मैं इंडिया लिख दूँगा यहाँ पर, आप जिस कंट्री से बिलोंग करता हूँ यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद सिटी बताएँगे और मैसेज यहाँ पर दे सकते हैं कुछ रिलेटेड, और सबमिट कर देना होता है। ओके, सो जब मैं सबमिट कर दूँगा तो क्या होगा, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं वी हैव, ओके यहाँ पर अभी आया था। ओके, वीडियो का पीछे करके थोड़ा सा देख लीजिए, वी हैव रिसीव योर डिटेल्स वगैरह सब वही लिखा होता, तो मैंने देख लिया था। ओके, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं आगे सारी चीज़ें, यहाँ पर मेरे को भी दिखा दी गई है। अब कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। उन्होंने हमारी जो डिटेल्स है वो रिसीव कर ली है, अब देखेंगे, जांच पहचान करेंगे और मतलब चेक करेंगे और फिर कॉल करेंगे, वहाँ से सामने से कॉल भी आ सकता है या फिर आपके ईमेल कर दिया जाएगा, मैसेज पे, जैसा भी होगा, जैसा उनको कंफर्टेबल। तो आपको तैयार रहना, कॉल कभी भी आ सकता है इस यूनिवर्सिटी से, और आगे प्रोसेस करने के लिए आपको जब तक आएगा नहीं सामने तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पर मेरे को मेल भी आ गया, मेल मैंने जो दिया था उसमें, तो यहाँ पर आ गया डियर नेम, जो भी मैंने नाम लिखा था यहाँ पर, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी रिगार्डिंग टू BSc फिल्म मेकिंग, 3 ईयर्स का प्रोग्राम होता है उसके लिए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस ऑन द नंबर एंड प्रोवाइड बिलो द रिप्लाई टू दिस ईमेल फॉर इंक्वायरीज, वी विल कनेक्ट विथ यू शॉर्टली। तो जल्दी
हम आपको कनेक्ट कर लेंगे, मतलब जल्दी बातचीत होगी। तो यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया सब कुछ, जिस वजह से मैं अब मैं वेट करूँगा खुशी सिंह जो भी रहेंगे यहाँ पर, और इनका मेल भी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप सबका अलग अलग होता है। तो अभी भी आपको किसी भी प्रोसेस में डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से करने के बाद आपको आगे करना है कि नहीं करना है, किस तरीके से, तो वो आगे आप बताएंगे उन्हें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जरूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।